पिछले कुछ दिनों में आपने इसराइल और हमास का नाम कई बार सुना होगा। एक भीषण युद्ध की वजह से, ऐसा युद्ध जिसमें लगातार लड़ाकों के साथ साथ बड़े पैमाने पर आम लोगों के हताहत होने की खबरें सामने आती रहीं, जिसमें आम लोगों की जिंदगी का इतना बुरा हाल हो गया कि देखकर रूह कांप जाए। बहुत से लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए, पीने की पानी की भारी किल्लत हो गई, बीमारियां तेजी से फैलने लगी और दवाओं का मिलना भी मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात, धमाकों के बीच जान लगातार खतरे में बनी रही। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में 24 नवंबर की तारीख बड़ी राहत बनकर सामने आई, जब इसराइल और हमास 4 दिन के युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो गए। अब इसी युद्ध विराम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, उस खबर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि युद्ध विराम से अब तक आम लोगों को क्या राहत मिली है। तो 24 नवंबर को जिस युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनी, उसके मुताबिक इसराइल 50 बंधकों की रिहाई के बदले 150 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए तैयार हुआ। ऐसे में जब ये अदला बदली हुई तो कई इसराइलियों और फिलिस्तीनी परिवारों से जश्न की तस्वीरें सामने आईं। ऐसे परिवार जिनके सदस्य लंबे वक्त बाद फिर से उनके पास आ गए। युद्ध विराम के दौरान हमास ने इसराइली नागरिकों के अलावा दूसरे देशों के बंधकों को भी रिहा किया। युद्ध विराम के बीच गाजा के आम लोगों के लिए बुनियादी जरूरत की चीजें भी पहुंची, क्योंकि खाद्य सामग्री, पानी और दवा की सप्लाई का रास्ता खुल गया। इसके साथ ही रसोई गैस की सप्लाई भी हुई है। 27 नवंबर को युद्ध विराम समझौते का चौथा और आखिरी दिन था। इसी बीच समझौता कराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले कतर ने ऐलान किया कि इसराइल और हमास युद्ध विराम समझौते को 2 और दिन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। मतलब अब और बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपको याद दिला दें कि फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने इसराइल पर हमले के दौरान 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था। इसराइल ने 4 दिनों के युद्ध विराम के दौरान कहा था कि प्रत्येक अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम की अवधि को 1 और दिन आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसराइल ने यह भी कहा कि वो युद्ध विराम खत्म होने के बाद पूरी ताकत से हमास को कुचलने के लिए युद्ध में वापस लौटेगा। ऐसे में इस बात की भारी आशंका है कि आगे और बड़ी तबाही देखने को मिले। आशंका इस बात की भी है कि अगर सभी बंधकों की रिहाई से पहले ही युद्ध फिर से शुरू हो जाता है तो बाकी बंधकों की रिहाई और मुश्किल हो सकती है। القصف شغل ليل مع نهار بيوت تهدمت المعيشه صعبه بالتالي الناس بتدور على الاكل يعني الصحيح الناس بتدور انها تعيش تأمن حالها للأيام اللي جاية خايفة لأنها بأمنوا في حالهم زي إما تقول فيه يعني إنه نفسية البني آدم متريحة لا مش متريحة احنا مش متريحين يعني بالمرة إيش خلاكوا تطلعوا؟ أنا اللي خلاني أطلع الصحيح خايفة على الباقيين أنا ابني استشهد وهو رايح يشتغل في الشفا عامل نظافة ابني وبقول يعني معي اللي واحد راح له الحمد لله خذي حاجة بالنسبة للناس وضعها صعب في الشمال عن جد وضع الشمال صعب كثير معيشته